click on the subscribe button and hit the bell icon. As you all would know that Kori Roti is one of the speciality out here. So I have come to this factory wherein they make the rotis. So this is the name of the factory. सोना मसूरी है। सोना मसूरी। हाँ, सोना मसूरी। सोना मसूरी। आधा आधा मिलता है ना? हाँ हाँ। टुकड़ा है क्या? टुकड़ा। अच्छा। अच्छा तो ये पहले वॉश करते हैं। टेन मिनट्स। ये कितनी बार धोते हैं चावल? एक ही बार धोने का। कितना किलो चावल लिया आपने? 12.5 के। अच्छा, हाँ, केमिकल्स वगैरह सब क्लीन होने का। तो ये फुल हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है। तो पानी निकल जाएगा पूरा? हाँ, इसमें से। अच्छा, चावल उसमें, चावल इसमें को। अच्छा, ये टुकड़ा मिलता है ना? हाँ, सोना मसूरी का। हम नुच्चू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नुच्चू। नुच्चू, नुच्चू बोलते हैं। नुच्चू बोलते हैं। कौन से लैंग्वेज में? कन्नड़ा। कन्नड़ा में नुच्चू। अच्छा, ऐसे चावल रहते हैं।
अच्छा, ये सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और सिर्फ चावल बच जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे चावल। आपने पानी जो डाला तो कितना पानी डाला आपने? कितना? 5 लीटर्स पानी डाला। ये 12.5 kg है ना? अच्छा। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा, ये सारे चावल ग्राइंड होने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ 45 मिनट्स के बाद। ये क्या डाल रहे हो? अच्छा, उसके बचा हुआ था वो कितना डालना पड़ता है? उसमें एक बोल डालना पड़ता है। एक बोल? अच्छा, उसे क्या होता है वो रोटी का पीस डालने से? रोटी? अच्छा, पीसेस टूट जाते हैं रोटी बनाते समय, नहीं डाला तो? अच्छा। ये जीरा पाउडर है? अच्छा, कितना डाला आपने? 1 स्पून। और ये कौन सा नमक है? ये है ना, क्या बोलता है इसको, आयोडीन नमक। अच्छा, और ये स्वाद अनुसार डालते हो आप? राइस डाला है। हाँ। मुझे आप दिखाओगे इसमें कि कितना ठीक रहता है बैटर, कितना पतला रहता है? ये ऑलरेडी मेड बैटर है। अच्छा, ये इतना कंसिस्टेंसी होना चाहिए। देखिए, अच्छा, ज्यादा नहीं, स्मूथ होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, इडली, हाँ इडली बनाते उतना होना चाहिए। अच्छा, thank you.
रोटी बन के कहाँ पे मतलब जाता है? कहाँ पे जाता है? अच्छा, कारकला में भी आप लोग सप्लाई करते हैं? मैसूर में भी जाता है? अच्छा, मैसूर में भी। ओके, अच्छा, तो कर्नाटका में तो बहुत सारे लोकेशन कवर करता है। इंडिया के बाहर भी जाता है? बाहर सब लोग गए ना, दुकान में नहीं, घर में। अच्छा, यूज करने को लेके गए। अच्छा, और ये कितने सालों से है यहाँ पे फैक्ट्री? एक साल हो गया। नवंबर को एक साल होता है। अच्छा, One and a half years. अच्छा, ये अभी रेडी होने के बाद ही ऐसा दिखता है? ये भैया एक ग्लास में डालते हैं और लोग थोड़ा बड़ा जज में, तो अभी हम इस पे ये बनाएंगे अभी इस पर। Thank you.
आपने ये इन्होंने जो निकाला ये कितना किलो के हिसाब से बिकता है या? आधा किलो ज्यादा मिलता है। अच्छा ये एक पैकेट में हाफ के जी आधा किलो है। आधा किलो में मिलता है 250 ग्राम भी। अच्छा ये ज्यादा वही करते हैं। अभी ये कितना है अभी जो पैक कर रहे हैं? 250। ये 250 ग्राम है। अच्छा अभी कर रहे हैं। अच्छा ये ज्यादा टुकड़ा हो जाता है ना। हाँ हाँ। तब हम आधा किलो का करते हैं। अच्छा तो ये जो बच जाते हैं अभी सारे जो टुकड़ा हो जाता है ना आधा किलो को हम डालते हैं। छोटा टुकड़ा वो ग्राइंड करने में डालते हैं अभी जब आपने डाला वैसे। अच्छा हाँ मतलब ये कुछ वेस्ट नहीं होता है ना यहाँ पे ऐसे। हाँ करने को है। तो फ्रेंड्स ये पैकेट रोटी का रेडी है और ये 250 ग्राम्स का 35 रुपीस MRP दिया गया हुआ है। तो अभी ये सीधा मार्केट में जाएगा। आप इसको मार्केट में सेल कर दें। फैक्ट्री में भी लोग आते हैं परचेज करने के लिए। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यही करकड़ा। अच्छा लोकल जो भी है वो लोग यहाँ पे आके डायरेक्टली परचेज करते हैं। और मुंबई लोकेशन में नहीं जाते हैं, सप्लाई नहीं करते, आप एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ यहाँ पे जो भी नियर बाई लोकेशन है वहीं पे आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्रेशली मेड रोटी है जो मैं अभी टेस्ट करने वाली हूँ और आपको बता दी हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही क्रिस्पी है और जो यहाँ की स्पेशलिटी है कोरी रोटी ये कोरी के साथ ही और भी अमेजिंग लगेगा। तो आपको ये जरूर टेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप इस फैक्ट्री में जरूर विजिट कीजिए। यहाँ के वर्कर्स काफी मेहनत करते हैं।
बहुत टेस्टी है। कुशाला जी थैंक यू सो मच, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने थे ये जो रोटी। मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आप लोग मतलब कितना मेहनत कर रहे हो ये चीज़ बनाने के लिए, मतलब यहाँ पे कितना बहुत काफ़ी गर्म है यहाँ पे, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हॉट है, मैं देखकर पता इतना पसीना आ रहा है, मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनका, इनकी जो मेहनत है यहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं इन्वाइट करूँगी यहाँ पे फैक्ट्री में, ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपको कोरी रोटी खाने को अच्छा लगता है तो यहाँ पे रोटी खाने के लिए ज़रूर आइएगा और परचेज कीजिएगा, थैंक यू सो मच। तो कुशाला जी इसके अलावा भी दूसरी भी रोटी बनाते हो आप? पेपर रोटी भी बनाते हैं। ऑर्डर मिला तो? अच्छा, ऑर्डर के हिसाब से वो बनाते हैं। इससे पतला होता है वो? इससे भी पतला। अच्छा, वो कौन सी रोटी होती है? पेपर रोटी? रोटी पेपर कोरी के साथ ही खाते हैं? क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। रोटी दी है, थैंक यू सो मच, कॉम्प्लीमेंट्री है।